गई तो। मतलब कुरान की यार इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है, मेरी बात सुनो, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, उससे टेस्ट कराओ, उससे बीमारी का पता करो, और उसके जब वो रिपोर्ट देगा ना, तो आपकी रिपोर्ट देगा, उसके ऊपर लिखा होगा कि हाँ तुम्हें ये बीमारी है, और फिर इस काम को करो, उसके बाद 1 महीने बाद जाके टेस्ट कराना। वो बीमारी खत्म हो जाती तो फिर किस चीज पे अगर क्या अगर मांगेंगी। ऐसा है तो मुसलमान क्यों हॉस्पिटल जाते हैं बताओ मुझे? फिर मौलवियों मैं नहीं अपना इलाज जाता, ऐसे ही क्यों करते हैं? क्यों मैं नहीं जाता, ना मेरे अब्बू नहीं जाते बताओ ना, कभी क्यों नहीं हॉस्पिटल, करते? ना मैं जाता ना मेरा अब्बू जाता हॉस्पिटल। मैं आज तक के अभी 4 दिन पहले ही मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मुझे 105 बुखार था, लेकिन मैं नहीं गया, ना मैंने बुखार कभी, तो उतर ना जाती मैंने है इनको कहा। कॉमनली 1-2 दिन के बाद खुद ब खुद से। उसमें यार कुरान की मेरे क्या अंदर ताकत इतनी है? वीकनेस, यार कुरान की क्या ताकत है, कैसी बात कर रही है तुम, कुरान कोई के अंदर कुछ ताकत नहीं ताकत है। ही नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है? चलो मान लिया कि कुरान के और कुरान की तिलावत से, मतलब कुरान की आयतों के दम भर के पानी हाँ हाँ पीने से बीमारियां खत्म होती हैं, हाँ जी तो ये एड्स, कैंसर, कोरोना, ये सब के लिए जो मौलवी लोग हैं वो फिर दूसरे हॉस्पिटल क्यों जाते हैं बताओ मुझे? यार, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, तुम अपने ऊपर मानती हो ना, तुम अपने उससे मानती हो ना, अपने दिल दिमाग से मानती हो ना कि चलो खुदा नहीं किसी है, को सिर्फ ठीक। अच्छा अभी तक की मैं तारीख अपने उससे सुनो, मेरी मानता हूँ, बात खुदा है, मैं मेरी नहीं बात जाता सुनो। हॉस्पिटल। हाँ अभी की जी तारीख में और कुरान को आए हुए 1400 साल हो गए है ना, अब तक के तारीख में मुझे एक केस बता दो जिससे किसी का एड्स, कैंसर, कोरोना ठीक हुआ हो। अभी की तारीख में बताओ। किसी ने कोशिश नहीं करी तो आपको कैसे पता? बताओ मुझे, इसलिए बताना क्योंकि मैं खुद दवा नहीं लेता, मैं आपने सिर्फ सूरतों का विर्द करता हूँ बस। दम कोशिश किया, की? पानी पी आपने लिया, ठीक। कोशिश की हाँ मैं कोशिश एड्स करता को, हूँ, कोरोना दम को किया, रोकने पानी के लिए पिया, कोशिश की? मैं क्यों कोशिश करूँ भाई। हाँ तो यार ये जवाब थोड़ी ना होता है इसमें। यार एक बात बताओ, अभी जिसे 1 सेकंड 1 सेकंड, भूख तुम्हें लगेगी तो मैं जबरदस्ती खाना खिलाऊंगा क्या? खाना तो तुम्हें पड़ेगा ना अपने आप, तो दुआओं पे चलेगा तो तुम्हें खत्म नहीं होगी, ये तो उसे करना ना, मैंने थोड़ी करना उसके पास ये जाके। तो सरासर जहालत है कि लोग ये समझते हैं कि कुरान के दम भरने से, कुरान के दम वाले पानी से पीने से दवा बीमारी जो ठीक होती। अगर ऐसा होता तो दुनिया भर के जो आलिम कराम है ना, मुस्लिम है, और जो मुफ्ती वगैरह है, मौलवी है, वो हमेशा कुरान का ही तिलावत करके ठीक होते। तो आपकी ये बात तो बिल्कुल झूठी साबित होती है। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो साबित करके दिखा दो। यार हाँ बताओ। मुझे आज तक किसी बीमारी ने टच नहीं किया। नहीं ये तो भी हो सकता है आपके जो शरीर में है वो इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बॉडी में वो सही हो। आपने खुद कुरान पढ़ा है, अल्लामा है ना, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद से जितने भी खलीफा वगैरह भी आए हैं, तो आपको पता है नबी ने एक बार, मतलब कुरान तो उस समय आ भी गया था, तो यहूदियों के एक ग्रुप को उन्होंने बोला था कि अगर आपको जो तबीयत आपकी वो खराब होती है तो आप ऊँट का जो पेशाब है और दूध वो दोनों पी सकते हो, उससे ठीक हो जाएगी। लिखा नहीं कहीं, लिखा है ये ऑन हदीस है ऊंट के पेशाब पर, इसीलिए जो सऊदी अरब के लोग हैं वो पेशाब पीते हैं। ये, लिखा नहीं है कहीं जो ये तुम बता लिखा रही हो। हुआ है, मैं आपको हदीस दे दूंगी। मैं एक बात आप ना ध्यान रखें, मैं कोई भी बात नॉन ऑथेंटिक नहीं करती, हर चीज के मेरे उदाहरण और सबूत होते हैं, मिसाल होता है। तो आपका ये तुक्का कि कुरान की आयतों से इंसान ठीक होते हैं ये तो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि ऐसा होता तो एक भी मुसलमान को मौलवी लोग मरने नहीं देते, क्योंकि अगर उनके हाथ में ना इलाज मैंने है तो वो क्यों कभी मुसलमानों को मरने देता बताओ? बोला, आदमी बना तो जाएगा भी, वो जिंदगी भर रहने नहीं के तो लिए थोड़ी बीमारी मरा में, बीमारी बना में है। मर एक रहा। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अगर अल्लाह ताला ये कह देता कि जो आदमी आ गया वो यहीं का रह गया, दुनिया का, दुनिया में जगह नहीं बचती कदम रखने के लिए, भी कहाँ रखती थी पब्लिक को तुम। तो इलाज क्यों करवा रहे हो? मर जाओ फिर। यार नहीं एक फिर सेकंड एक निमोनिया से सेकंड, मेरी मरो, बात बुखार सुनो, से मरो, सर्दी जुकाम से मरो, इलाज क्यों करवा रहे हो फिर? कैंसर से मरो, मरने के लिए तो आए हो, तो क्यों इलाज कराते हो, क्यों हॉस्पिटल जाते हो बताओ?
देखो मेरी बात सुनो, हाँ बताओ। इलाज इलाज पे बात ले रही हो। डॉक्टर का काम क्या है? क्या डॉक्टर का काम है सिर्फ दवाई देना, शिफा देना या ना देना, वो उसके कब्जे कुदरत में। ये तो आपकी कल्पना एक जरिया होता है ना, जरिया। अभी किसी ने कहा कि भाई मुझे ये खाना है, मुझे अल्लाह के खिला, तो अल्लाह नहीं खिलाने कहा थे, लेकिन अल्लाह खिलाने वाला जरिया जरूर भेज वो देगा। तो कल्पना है, कोई सबूत है क्या इसका? कोई सबूत तो मैं सबूत सब है चीज के दे दूंगा। तो दो ना, इसलिए तो मैं आपके आपसे जरिया बात कर रही जरिया हूँ। बनता है, जरिया कोई तो भी है, सबूत तो खुदा सीधा। दो, पहले अल्लाह का ही सबूत दे दो। हेलो, हाँ सबूत दो। सबूत ढूंढूं खुदा सबूत दो, है या नहीं। खुदा है या नहीं? यार तुम्हें ये सब किसने सिखा दिया? सबूत नहीं है क्या? कोई सिखाया ना सिखाया उससे प्रॉब्लम नहीं है ना? सबूत है क्या? दिल दिमाग में तुम्हारे बहुत गलत चीज बैठी हुई है। ये ध्यान रखना, क्योंकि अरे जाके मरने के बाद उसे ही मुंह दिखाना है। मेरे दिल में दिमाग में क्या सही है क्या गलत है ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको सबूत देना है खुदा होने का, अल्लाह होने का, वो सबूत दो। और कैसी मेंटल लड़की हो तुम? हद है, मतलब सबूत नहीं है आपके पास है ना? अब मुझे पर्सनली जो है वो करने लग रहे हो आप, आक्षेप करने लगो मेंटल हो, किसने सिखाया ये वो फलाना बढ़ाना। यार देखो मेरी बात सुनो, मैं दुनिया में मैंने आज तक कभी अपने रिश्तेदार के घर जाके खाना नहीं खाया। छोटी सी चीज सुनते रहना। तो इससे अल्लाह साबित हो जाएगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मैंने कभी किसी के घर खाना नहीं खाया, कभी किसी की शादी में नहीं गया, कभी रिश्तेदारी में नहीं गया। मुझे तनहा रहने की आदत है, मैं कभी रिश्तों को नहीं मानता, ठीक तो है। इससे अल्लाह साबित हो रहा लेकिन है। एक ही रिश्ता जिसे मैं मानता हूँ, हाँ वो सिर्फ अल्लाह की जात पे मुझे हाँ दे भरोसा है कि उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिल सकता। मैं आज भी उस मुकाम पे खड़ा हूँ, मैंने अभी क्या हुआ था मेरे साथ, क्योंकि सुनो मुझे सुनो पता है यार सुनो जब आदमी सुनो परेशान सुनो हो जाता है सुनो उस। सुनो सुनो, मुझे आपकी पर्सनल स्टोरी नहीं सुननी। आपके पास सबूत है हाँ या ना? सबूत है लेकिन तो दो, एक्सप्लेन कैसे करूं? एक्सप्लेन आराम से कर लो। मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ? आप तो बताओ, मैं आपको 10 सबूत देती हूँ जिससे अल्लाह नहीं है साबित होगा। जब तुम्हारे सर में दर्द हो या पेट में दर्द हो या अगेरा वगैरह जो भी तुम्हें बीमारी लगे, ठीक है, उस टाइम तुम मुझे कॉल करना, ठीक अच्छा है। मैं तुम्हें साथ के साथ कुरान में से एक ऐसी आयत पढ़ के दूंगा जिसके हाँ, खाते तुम्हारा मर्द ठीक हो जाएगा, और मोस्ट वेलकम है जब तुम्हारा मन करे। हाँ, तब यकीन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा खा तुम इधर रखोगी, जुबान चलो पे रखोगी और आपकी वो मर्द खत्म हो जाएगा। आपके कुरानी इलाज पे एक चीज बोलना चाहती हूँ। अगर ऐसा बोलो। होता तो हमारे भारत के जो मौलवी साहब है वो सब बेवकूफ है क्या? भारत के मौलवियों साहबों का तो पता नहीं, खैर दुनिया के मुसलमानों का पता है, हाँ तो दुनिया के मुसलमान यकीर अट बेवकूफ है गया है क्या? ना, क्योंकि डॉक्टर दुनिया में इतने डॉक्टरी मशगूल क्यों हुए कर हैं। रहे हैं मुसलमान? डॉक्टर क्यों बन रहे हैं मुसलमान? क्यों यार हॉस्पिटल जा दुनिया रहे के हैं? अंदर इतने मशगूल हो गए हैं कि वो अपने इस्लाम को और अपने दीन को ओ तो भूल आप चुके हैं। इस्लाम के अकॉर्ड, मतलब आप इस्लाम पर हो, हाँ जी, मैं इस्लाम पर हूँ। इसलिए आपको आपसे इलाज हो जाता है कुरान पढ़ के, है ना? हाँ जी, तब दुनिया भर के इलाज करने क्यों शुरू नहीं कर रहे हो? मुझे मौका दिया जाए, मैं जाके खुद डॉक्टर बन बिल्कुल, जाऊंगा, मुझे हॉस्पिटल मौका जाओ, दिया जाए। हॉस्पिटल जाओ, कुरान ले लो, असल में पानी क्या, ले लो। मुझे देख के नहीं लगाएंगे ना वो। अरे शुरुआत तो करो कहीं से, कुरान कहाँ से पढ़ शुरुआत के इलाज करूँ? करो। बहुत बढ़िया बात है, मुझे तो हंसी आ रही है। कैसे तुम्हारे खैर इंसान हो यार। इंशाल्लाह हंसी, नहीं, इंशाल्लाह तुम्हारी हंसी मैं बंद कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, कितने, मतलब आप तो बोले थे ना कि आप पढ़े लिखे हो, तो भाई क्या सच में ऐसा मुमकिन है? सबूत क्या है कैसा? इसका? इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है, जब किसी के मर्द हो तो खिला के तो देख लो ना, खत्म हो जाए तो कोई सबूत ही नहीं है। मैं भी मानना छोड़ दूंगा कि अल्लाह नहीं है, मैं मैं बात भी मानना छोड़ दूंगा कि अल्लाह नहीं है।
मैं बार बार बोलती हूँ, तो कोरोना इलाज करा दो ना, ए जो कैंसर है, एड्स है, जो बीमारी जिसका इलाज नहीं है उसका इलाज तुम्हें है करा कोई, दो। तुम्हें है कोई, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? नहीं, यकीन तो तुम्हें दिलाना है ना कि खुदा है, किसी और को थोड़ी दिलाना। अरे एक बात बता मुझे, तो क्या मुझे बीमारी होने तक के लिए इंतजार करोगे आप? किसी और को इलाज करा दो, देखते हैं कि सही है ये। चलो यार चलो, यकीन सुनो तो सुनो तुम्हें मेरी बात, दिलाना है, तब फिर तुम्हें सुनो मेरी दिलाना, बात, दूसरे के सुनो। ऊपर यकीन आ जाएगा तुम्हें? अगर आपके कुरान के वो करने से किसी बीमारी वाले इंसान का बीमारी ठीक होती है, तो मैं मान लूंगी कुरान सही है। हाँ बताओ, अब एक ठीक काम है ठीक करो, करना है। जिसको कोरोना हो गया है ना उसको ठीक कर दो। जाओ, हाँ तो लाओ मेरे पास कोरोना के पेशेंट, लाओ, अरे मैं यकीन तो अरे तुम्हें दिलाना हॉस्पिटल है ना जाओ, कितने कोरोना के मैं यार। पेशेंट एक मिलेंगे। बात बताओ, मेरी बात सुनो, रिलैक्स होकर मेरी बात सुनो। अभी यकीन तुम्हारे दिलाने की बात है, जो तुम्हें दिखाऊंगा, अगर तुम्हें दिखता है ठीक है तो मानोगी तुम? तुम्हारे पीछे मैं कह दूं कि हाँ भाई बहुत मरीज ठीक होगा, तुम मानोगी? नहीं मानोगी, इसीलिए कहना फ्रंट पर आओ। मैं नहीं मानती आपके इलाज को, इलाज को कैसे नहीं मानोगी, क्योंकि जब अगर ये बिल्कुल ही तो इलाज खुद होता, मानोगी? अगर ये इलाज होता तो दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो हॉस्पिटल नहीं जाते। वो इसलिए जा रहे हैं ना, उनका ईमान कच्चा हो गया। अच्छा यार हम तो नहीं जाते, मेरा बाप तो नहीं जाता हॉस्पिटल, अच्छा आपको पाप हमारा नहीं ईमान थोड़ी जाता। कच्चा हुआ है। अच्छा टीका लगवाओ हमारा कभी, तो नहीं, मैंने तो नहीं बचपन लगवाया, में भी नहीं हमारा तो लगाया? ईमान पूरा पक्का है अच्छा, मतलब यार। उस टाइम मुझे होश नहीं थे ना, आपके हिसाब से हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए। मेरे हिसाब से सारे हॉस्पिटल बंद कर देने चाहिए भाई। क्योंकि हॉस्पिटलों में इलाज थोड़ी हो रहा है, शिफा करने वाली जात तो ऊपर वाली की है ना, वो चाहेगा हाँ तो ठीक। मुझे एक बात बता, डॉक्टर, अगर यार डॉक्टर पे इतना भरोसा है, तुम्हें डॉक्टर बचा के नहीं पाता थी, कौन बिल्कुल, बचाता है बिल्कुल। कह रहा बचाता है अरे भाई सबूत है, यार, कौन कह किसी रहा की ब्रेन बचाता है ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर निकालते हैं वो बच जाता है, किसी के दिल का यार? ऑपरेशन मैंने करके मेरे अभी बचाते दोस्त का हैं। इंतकाल हुआ है, मेरे अभी दोस्त का इंतकाल हुआ, सिर्फ दर्द उठा था डॉक्टर के पास का, गैस पैस पता नहीं क्या क्या लगाते, लेकिन नहीं बचा अरे तो उसकी बीमारी बहुत ज्यादा हो गई होगी। यार। अब बीमारी ज्यादा हो गई होगी, मतलब तुम्हारे डॉक्टर सही है और नहीं बचा पाया तो बीमारी ज्यादा हो गई होगी। ये लो लो, अरे भाई उनके हाथ में जितना उतना बचाते हैं वो लोग। वाह वही वाह, लेकिन उसके हाथ में पूरा कब किसे उठाना है वो जानता है, मरते मरते को बचा देता है आदमी को। वो देखा चल के बिल्कुल ट्रेन ऐसा से होता औरतें गिर तो जाती कोई हैं, आदमी गिर मुसलमान जाते मरता हैं। थोड़ी ना, वो तो अल्लाह का कुरान थूक के ऐसे पढ़ता, पानी पे और पी लेता, गट गट पानी पी के ठीक हो जाता। तो इतनी छोटी सी तो प्रक्रिया है, क्यों फिर सऊदी अरब जो है वो इस्लामिक कंट्री होते हुए हॉस्पिटल से बनाता है, पाकिस्तान हॉस्पिटल बना रहा है, क्यों डॉक्टर वॉक्टर बना रहा है? सबको वही करना चाहिए था, तुम्हारे हिसाब से दुनिया चले तो सब बर्बाद हो जाए। तुम जबरदस्त दिमाग वाले इंसान हो, तुम्हारा बस चलते 57 मुस्लिम कंट्री जो वैसे भी मतलब मांगने के कगार पे है वो लोग, और सड़क पे आ जाए, हॉस्पिटल बंद करा दो। सही सोच है तुम्हारी, वेरी नाइस। ये तुम्हारी गलत सोच है एकदम। डॉक्टरी की पढ़ाई खत्म कर दो, जब सब कुरान फूक फूक के ही इलाज हो जाएगा सबका। इलाज हो जाएगा, बिल्कुल होगा। वही तो बोल रही हूँ, सारे डॉक्टर्स नर्सेस हॉस्पिटल सब बंद कर दो, अब फूक फूक के ही, कुरान के थूक की फूक से ही सब इलाज होगा, है ना? तुम्हें डेमो देखना है ना, तो तुमको अरे ये सामग्री अरे ले तो आओ ना डेमो सर। तो मैं दुनिया में देख रही हूँ ना, इतने मौलवी हैं वो लोग खोज नहीं किए इस चीज का, आप खोज कर रहे हो कोरोना के लिए, वो लोग पता है क्या वैक्सीन लगवा रहे हैं? क्या वैक्सीन लगवा रहे हैं, अल्लाह ने उनको नहीं बचाया, लेकिन वो ईमान कहाँ है, कच्चा कहाँ हो रहा है है, लोगों का। किसके पास है? डॉक्टर्स के पास है कि वैक्सीन लगवा दो, ईमान कच्चा ईमान कच्चा यार, सही बोल रहे। ईमान कच्चा लोगों का यार, और कुछ नहीं। तुम ईमान सही हो तो फिर कुरान की फूक की थूक से सब सही हो जाए ना? मैं तो यकीन करता हूँ, होता भी हूँ यार। हाँ बिल्कुल, और आपको चाहिए कि दुनिया भर के हॉस्पिटल बंद करवा दो, नर्सेस डॉक्टर की पढ़ाई बंद करा दो, ये ऑपरेशन करके क्या कर लेते हैं लोग, है ना? पोलियो होती थी तो लोगों के तो जब पैरों टेढ़े मेढ़े हो जाते थे, हाथ पैर, तो उसको कुरान की वो फूक की थूक से ठीक हो जाते थे, तो लोग पोलियो क्यों पिलाते सबको, है ना? गलत लाओ बात वो भी है। ठीक करवाएं हम।
अरे वाह क्या बात वो भी है। ठीक करवाएं। हाँ, अच्छा करके दिखा दो, अभी तो पोलियो की शुरू। मुजफ्फराबाद का एक शख्स था जिसे कैंसर था, ठीक है, अच्छा उसका कैंसर उसने हर जगह से इलाज कर दिया, मानी जानी हस्ती था, अच्छा खासा पैसा था, हर जगह से इलाज करवा लिया, लेकिन कहीं से शिफा नहीं मिली उसे, सब जगह से रिटायरमेंट एंट्री मिली कि भाई अब टाइम आ गया करीब, तो किसी ने बताया कि उनके पास जाओ। अच्छा वो उन मौलाना के पास पहुंचे अच्छा और उन मौलाना से बोला ऐसे ऐसे बात है भाई, हर जगह से इलाज करवा लिया उनके फैमिली वालों ने, उनसे तो ऐसा था बस बेकार मामला था उनका, तो उन्होंने बोला कि ठीक तो हो जाएगा, अच्छा 40 दिन की जमात में चले जाओ, ठीक है। अच्छा हाँ, हाँ तो जब वो जमात में गए थे हैं, तो हाँ बहरहाल जैसे भी थे, लेकिन वहां से आने के बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया ना, तो उनके शरीर के अंदर कुछ नहीं आया था, अल्लाह, सिर्फ किया चमत्कार 40 दिन। चमत्कार चमत्कार। यार चमत्कार, यार चमत्कार वाली क्या बात है, ये तो है हकीकत है मैं आपकी इस कहानी पे यकीन कर लूं? कहानी, अभी नहीं, यही तो कह रहा हूँ मुझे मैं, अब कहानी राम बता रहीम रही अब तुम राम इन्हें, बाला सराम के चेला समझ रखे हो क्या? नहीं यार अब तुम इन्हें कहानी बता रही हो, नहीं तो सच्चाई क्या है इसमें? अच्छा जब इसको दुनिया कह में रहा हूँ कौन सा सच्चाई इन... देखनी है तो तुम लेकर आओ ना किसी को, अभी ठीक होगा बंदा, अरे ना तो ठीक यार हो तो बात ऐसे है। बेवकूफाना बात करके इस चीज को साबित करना चाहते हो, ये बात ही साबित करती है कि इस्लाम झूठा है। ये क्या आपकी जो साबित बात है करती है ना, यही इस्लाम साबित झूठा? करती है कि इस्लाम झूठा है, कुरान झूठा है। अगर ऐसा ही है ना, कुरान यार से कहो, सुनो तुम्हें सुनो, देखना किसे सबसे बड़ा देखना, सबूत दे रही, सबसे बड़ा सबूत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज से पहले 1 हफ्ते तक बुखार में मुतला थे। शदीद बुखार था, इतना बुखार कि जब वो नमाज के लिए उठते तो बेहोश हो जाया करते थे, ठीक है। और अब हर रोग की शिफा जो है वो कुरान है। अगर ऐसा होता तो रोग में मुतला होकर क्यों उसकी मौत होती उनकी, बताओ? उनकी मौत कहाँ हुई, नबी पाक की मौत नहीं हुई? कौन कह रहा, उन्होंने तो पर्दा किया बस। अच्छा तो उनकी डेड बॉडी नहीं है क्या? है डेड बॉडी कहीं, तो डेड और बॉडी का मतलब क्या होता है? मृत शरीर, मरा हुआ बॉडी। क्या हुआ? अजीब से नॉलेज वाले इंसान हो। क्यों? तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। चलो ठीक है, फिर मुझे नहीं लगता कि आप मेरे सवालों को जवाब दें।